देखिए, हाँ, मेरे माननीय प्रधानमंत्री हमारे, मैं उनको मित्र की तरह देखता हूँ, दोस्त के देखता हूँ, और वो मेडिटेशन में गए हैं कि मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं। एक बार पहले भी किया था उन्होंने, उन्होंने किया था जब वो तथाकथित केदारनाथ गए थे, तथाकथित वो अपने मेडिटेशन के लिए, लेकिन दरअसल वो मीडिया अटेंशन के लिए गए थे। इस बार भी लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन के लिए नहीं गए, बल्कि मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं, सारे तामझाम के साथ, सारे टेलीफोन्स के साथ, कम्युनिकेशंस के साथ, और तमाम मीडिया के लोगों को बुलाकर, आमंत्रित करके, निमंत्रण देके, वो प्रचार का एक नया हिस्सा। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते सारे हथकंडे आपने या सारे तीर आपने तर्कश से निकाल लिए, अभी आखिरी तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोशिश की तब तक बड़ी देर हो चुकी है। कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन चल गई, दीदी ने भी सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री के, पूरे देश की जनता सवाल खड़ा कर रही है कि आप मीडिया अटेंशन के लिए सो कॉल मेडिटेशन करने जा रहे हैं और इस तरह से प्रचार करेंगे, तो फिर दूसरों को भी मौका दीजिए, ये तो फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये व्हाट इज़ राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल, जब उनके लिए सही है तो बाकी के लिए भी सही होना चाहिए। प्रधानमंत्री को आपने 2 महीना प्रचार का मौका दे दिया, हवाई जहाज़ सारे सिक्योरिटी के साथ, एक एक ट्रिप पे उनके करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं, 8,500-9,000 करोड़ का हवाई जहाज़ है, 12-15 करोड़ का उनके पास गाड़ियाँ हैं, इतना ताम झाम सब ये करके, अब ऊपर से जब देर हो गई ये मेडिटेशन, अगर कोई और करता तो मैं कहता कि शायद पश्चाताप के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेडिटेशन कम, मीडिया अटेंशन ज़्यादा।